जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। मदरसों पे कहा जा रहा है कि तिरंगा फहराया जाए। मैं पढ़ता हूँ कि वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, पूरी हिम्मत से यह सच बोल रहा हूँ, एक शख्स शामिल होना चाहिए मेरे इस मेरे मेरे इन मिस्रों में कि आरएसएस के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं ना होगा दंगा। दंगा। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। उधर दाल की कीमत 200 के उस पार खड़ी है, उधर दाल की कीमत 200 के उस पार खड़ी है। भारत की गद्दी को जब से ये मनहूस मिला है, भारत की गद्दी को जब से ये मनहूस मिला है। कितने भोले लोग हैं जो अब तक खुशफहमी पाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साहब जी, कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। तो बीच में लोग किसी जरूरत की वजह से जा रहे हैं, गलत वक्त पे उठ रहे हैं, गलत वक्त पे अल्लाह किसी को ना उठाए, हम यही दुआ कर सकते हैं। अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो, अगला मिसरा सच्चा लग जाए साकी नाका वालों, चुभता हुआ लगे तो मुझे दुआएं देना कि अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। जाओ कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह, कृष्ण जी अडवाणी इस वक्त तुमको गोद ले लेंगे अगर सुन ले लाल कृष्ण अडवाणी। जाओ बेचारे अडवाणी से पूछो, सबकी जुबान चुप्पी ओढ़ी और जुबा पर ताले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया।